माल्यार्पण करेंगे, फिर स्टेथोस्कोप गिफ्ट करेंगे, मिठाई भी खिलाएंगे आदित्या को। और अभी आएंगे, देखिएगा कितने 60 में अपनी बातें ख़त्म करते हैं और बहुत ही समझे कि गागर में सागर भर देते हैं, ये गागर में सागर भरेंगे बहुत ही। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट। पानी पानी लेंगे ना, पानी उधर बदल लीजिए, पानी खत्म। ये तो चल नहीं रहा, ये टच हो जा रहा है। नीट कंपटीशन की और यहाँ पर आया तो टीचर के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, परिचय हुआ और तीनों टीचर ने एज ए टीचर और एज ए गार्जियन गाइड किया और उनके सहयोग से एक साल में हमारा 633 नंबर आया। बाकी अब सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। एससी पांडे सर फिजिक्स के खुद ही टेस्ट बुक हैं, बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। सुमन सर एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पढ़ाते हैं, जो कि आज पैटर्न है, मॉडर्न पैटर्न वही हो गया है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। और आरके सर समझ ही रहे हैं, जो सभी लोग पढ़ते हैं, चारों एनसीईआरटी बुक लेकर आनी ही पड़ती है। शुरुआत में जब हम आते थे तो आरके सर क्लास करने चारों बुक लिए रहते थे, तो शुरुआत में 2-3 दिन बहुत बोझ लगता था कि इतना बुक मंगवाते क्यों है। लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देने गए तब पता चला कि मंगवाए क्यों थे। आरके सर ने एक चीज़ शुरू किया था डायरी बनाने का और उसे हमने पूरा फॉलो किया था और उसका फ़ायदा भी मिला। आप लोग को हम सजेस्ट करना चाहेंगे, डायरी बनाइए आप लोग, मतलब उसमें कंटिन्यूस हो डेली, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, आरके सर बताएंगे ही। बाकी सुमन सर शॉर्ट नोट्स जो बनाए जितना कहें टीचर्स, उसे 100% आप लोग को फॉलो करना है। यहाँ आए हैं तो टीचर्स पर ही भरोसा कीजिए, इधर उधर की बहुत लोग बातें कहेंगे उसी की सुनिए, जिसे आप किसी एक को अपना शुभचिंतक मानिए। बाकी यहाँ कोचिंग के टीचर्स 100% गाइडेंस करेंगे, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा, जब मैं इसके पहले साल आया था, अभी सुबह मॉर्निंग बैच में मैंने कहा है, पीछे मैं बैठा और सिलेक्टेड जो हमारे सीनियर्स थे जब यहाँ आए उन्हें इस तरह सम्मानित किया गया था तो हमें बहुत अच्छा लगा, मन में डेडिक्शन हुआ, हमने सोचा हम भी एक दिन ठानेंगे। हमने उसी दिन ठाना कि हम भी नेक्स्ट ईयर यहाँ खड़े होने की पूरी कोशिश करेंगे और आज हम खड़े हैं। तो हम आप लोग से एक से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग भी यहाँ नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश करिए आने की, पूरी एफिशिएंसी लगा दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 8 महीने पूरी तरह लग जाएंगे, हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ लगने की ज़रूरत है ईमानदारी से। और आप लोग नेक्स्ट ईयर यहाँ आकर खड़े होइए, आज ही से ठान लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। बाकी किसी को क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकता है, कोई क्वेरी तो पूछ के, किसी की कोई क्वेरी अगर है तो आप आदित्य से पूछिए। नहीं है, ठीक है, किसी को कोई क्वेरी नहीं, आप लोग तैयारी करते रहिए और यहाँ आइए। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। पढ़ाई तो साथ साथ है लेकिन सिलेक्शन का ये भी एक मेन पॉइंट है कि क्वेश्चन कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट आप जो देते रहेंगे समय समय पर वो आपको बताएगा कि आपकी तैयारी क्या चल रही है, कंपटीशन बीच में आपकी पोजीशन क्या है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, बोर्ड में क्या होता था, बोर्ड में पढ़ना और लिखना, उसमें क्वेश्चन आंसर था, लेकिन यहाँ पर आपको कंपटीशन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा और टेस्ट देंगे तो कब पता चलेगा कंपटीशन में आप कहाँ हैं। DPP भी डेली होता है, DPP आप लोग को देना चाहिए और देते भी होंगे आशा हम करते हैं। और टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ना किया हो टेस्ट देते रहिए कंटिन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ पढ़ने से ना समझ में आए वो क्वेश्चन लगाने समझ में आता है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइए, इतना कहेंगे।
ठीक है, धन्यवाद। बच्चों, आदित्य ने देखिए पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और जैसा कि बता ही रहे हैं कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ के आना, फिर इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में सीखना, तो इन्होंने इसे लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया। और उस समय ये पढ़ रहे थे जिस समय कोरोना भी था और क्लासेस भी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, ऐसे परिस्थिति में इन्होंने अपने को प्रूव किया कि सब कुछ पॉसिबल है, बस हमारे अंदर लगन होनी चाहिए कुछ करने की। तो इनके अंदर इन्होंने बोला कि जब लास्ट ईयर में यहाँ पे इस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा था तो ये पीछे बैठे थे, और इन्होंने सोचा कि अगली बार यहाँ पे मेरे को होना होगा, तो ये तो सीधा सा ही प्रूफ हो गया कि ये इस बार यहाँ पे है। और इन्होंने इस चीज़ को बताया है आपको कि तुम भी जो सोच लोगे वो मिलेगा, अगर आप सोच लोगे कि 700 के पार तो बड़ा आसान है, पा जाओगे। तो ये इन्होंने बोला। और एक बात इन्होंने ये बोला बहुत इम्पॉर्टेंट, इन्होंने पॉइंट बोला जिस पे इन्होंने प्रेशर दिया है, और वो इन्होंने ये दिया कि कैसे आप जानोगे कि आपको ये चीज़ आता है। बच्चों, कैसे जान पाओगे आप ये बताइए, कैसे जानोगे कि आपका ये तैयारी सही है और आपको ये चैप्टर आता है? क्या तरीका है? टेस्ट देने का तरीका है, वही इन्होंने बोला है कि टेस्ट दोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। लगातार सेलेक्टेड स्टूडेंट आपको बार बार कर रहे हैं टेस्ट दो, एनालाइज करो, काम करो और अच्छे रैंक को पा जाओ। और यही है मोटिव इस प्रोग्राम का कि आप लोग भी जैसे इन्होंने देखा तो आज स्टेज पे हैं, आपने देखा, उम्मीद है कि सभी लोग अगले साल स्टेज पे होंगे और वो बहुत बड़ा काम होगा। बहुत अच्छा। देखिए, मैं एक सरप्राइज बता रहा हूँ, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि अब की बार 18 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट में अपीयर हुए थे, उसमें 11 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ थीं। ये सरप्राइज है, मतलब पेरेंट बच्चियों के प्रति कितने सिंसियर हैं, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो हो रही हैं। मुझे बड़ा घमंड होता है पेरेंट पर कि 18 लाख में 11 लाख बच्चियों ने अपनी एग्ज़ाम दिया था, बच्चियां कितने आगे चली गई। यही जब 90 का दशक था तो लोग बच्चियों को कहते थे कि बेटा हुआ तो कुलदीपक हुआ, बिटिया हुई तो कहें अरे इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, शादी ब्याह की व्यवस्था करिए, दहेज की व्यवस्था करिए। भैया आप पढ़ा दीजिए ना, दहेज नहीं देना पड़ेगा, है ना? तो पेरेंट के लिए थोड़ी बातें थी। अब देखिए, जब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात चल रही है तो मैं चौथे नंबर पर जाह्नवी शुक्ला को बुला रहा हूँ, उनके पापा भी हैं जाह्नवी शुक्ला के। अच्छा।